अभी आपको बताएं कि खसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल के तावुन से सी पैक का दूसरा मरहला शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं चीन और पाकिस्तान तरक्की के लिए मिलकर सी पैक को आगे बढ़ाएंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान का चीन के साथ नए इक्तिसादी रहदारियों पर काम करने का अज़्म। SIFC के तआवुन से सी पैक के दूसरे मरहले का आगाज। सी पैक के दूसरे मरहले में 5 इक्तिसादी रहदारियों में इनोवेशन कॉरिडोर, लाइवलीहुड कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, रीजनल डेवलपमेंट कॉरिडोर, रोजगार की तख्लीक के लिए कॉरिडोर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इक्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन ने इन 5 रहदारियों पर काम शुरू करने पर इत्तफाक किया है। सी पैक के नए इकदाम के तहत लाइवलीहुड कॉरिडोर का मकसद आबादी को आला दर्जे की सहूलियात फराहम करना और रोजगार के मौके पैदा करना है। इनोवेशन कॉरिडोर के तहत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नए मंसूबों का आगाज और नौजवानों को IT की महारतें फराहम करने पर तवज्जो दी जाएगी। सीपैक मंसूबे के तहत पाकिस्तान की तवज्जो सनअती और तजारती तरक्की और गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफे पर मरकूज है। पाक चीन इक्तिसादी रहदारी में SIFC की सहूलतकारी एक महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है।